खबर देहरादून के विकास नगर चक्राता की है, जहां लगातार बारिश से भूस्खलन हो रहा है। साथ ही सड़क पर भारी मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। मौके पर लोक निर्माण विभाग की दो मशीनों से रास्ते खोलने के लिए लगाई गई हैं। वहीं अगर बात करें मामले को लेकर की, तो ग्रामीणों का कहना है कि शाम 5 बजे के बाद भूस्खलन हटाने वाली मशीनें बंद कर दी जाती हैं। अगर रात में कोई भी भूस्खलन होता है तो उसे सुबह हटाया जाता है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि रात में इमरजेंसी सेवाओं को भी सुबह तक रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ता है। देहरादून से राहुल सिंह रावत की रिपोर्ट। रात को तो यही रहते हैं, 8 बजे तक ही मिलेंगे ऑपरेटर। बाकी रात को अगर कोई ऐसा रास्ता बंद हो जाए, भूस्खलन हो जाए, तो तब कौन देखता है? तब तो कोई नहीं देखता, फिर सुबह ही देखेंगे।